चंद्रमा का गोचर जुपिटर पे ग्रुप चंद्रमा गोचर आप यहां पे मैंने लास्ट टाइम बोला था आप लोग अपने अपने चार्ट्स के पे हाथ में रखें ताकि आप दे सके और रिलेट कर सके इस चीज को चंद्रमा का गोचर जुपिटर पे नेटिव विल गेट फिल्ड विद नॉबल एंड डिवाइन थॉट्स अच्छे विचार अच्छी बातें दिमाग में आएंगी इट्स अ टाइम फॉर फन मूवमेंट स्पेशली फॉर फीमेल्स फीमेल के लिए फन मूवमेंट होगा सर्विसिंग का टाइम है स्पेशली उनके लिए नेटिव के लिए शॉर्ट ट्रिप हो सकती है कि इस रिलीजियस प्लेस की शॉर्ट uh, ट्रिप का टाइम है नेटिव मेक एट कनेक्ट विद दी अपोजिट जेंडर कनेक्ट कर सकता है माता के पर्सपेक्टिव से चैरिटेबल चीजों के लिए रिलीजस चीजों के लिए थॉट्स के लिए विचारों के लिए अच्छा टाइम है उनके लिए वो उस टाइम पे सो सकते हैं उनके दिमाग में विचार आ सकते हैं <laughs> सिस्टर के लिए सिस्टर के परस्पेक्टिव से देखेंगे चंद्रमा सिस्टर कारक भी है सिस्टर से देखेंगे तो सिस्टर अगेन सिस्टर में लाइफ जुपिटर क्योंकि कारक पॉजिटिव कारक है ग्रोथ का कारक है तो सिस्टर जो है बेटरमेंट के लिए सोच सकती है कुछ बेटरमेंट की तरफ उसका आ, दिमाग जाएगा का self, जो है, इस टाइम पे अपग्रेडेशन टू विजडम दिमाग की सोच थोड़ा विजडम की तरफ बढ़ेगी और यह एक पीरियड होगा जहां पे इंसान जो है बड़ी चीजों की तरफ जाएगा ओवरऑल चंद्रमा के के का अफेक्शन के लिए अच्छा होगा चार शब्द के अंदर इट्स टाइम फॉर ट्रैवल इट्स इट्स टाइम फॉर कोल्ड एंड कफ एंड टाइम फॉर अफेक्शन चार शब्द ठीक इसी प्रकार से हम चंद्रमा से सारे गोचर पढ़ेंगे अब चंद्रमा से सूर्य की स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग सूर्य से करते हैं वापस चंद्रमा गोचर सूर्य के ऊपर सूर्य आत्मा कारक चंद्रमा मन कारक टाइम फॉर सोसाइटी के अंदर आ, सम्मान रॉयल एक्टिविटीज के लिए फॉर्म फेयर एटीट्यूड होगा इस टाइम पे काम इंसान जो करेगा वो स्ट्रांग करेगा और अच्छे विश्वास के साथ करेगा फुल फ्लो के साथ करेगा प्रोफेशनली ये थोड़ा सा अपडाउन का टाइप चलेगा क्योंकि चंद्रमा सूर्य बॉस भी है चंद्रमा बंट का रहा क्या बॉस के साथ ऊंच नीच की बात हो सकती है उसके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस टाइम पे ये टाइम बॉस के लिए निकालना पड़ेगा फीवर की पॉसिबिलिटी बनती है आजकल फीवर का टाइम चल रहा है वो बनती है मेडिसिन लेकिन काम करेंगे इस टाइम पे फादर के लिए बेटे के लिए कोई अननेसेसरी एक्सपेंस क्रिएट हो सकता है फादर घूमने जा सकते हैं बेटा कोई लर्निंग के लिए कुछ एक्टिविटीज हो सकता है तो एक एक्सपेंस स्टार्ट हो जाते हैं ये टाइम के ऊपर फालतू पे किसी से लड़ाई झगड़ा या हो सकता है तो ब्लेम ब्लेम का स्कोप बनता है प्रोफेशनल ब्लेम का स्कोप बनता है तो प्रोफेशनल ब्लेम के लिए किसी से फालतू में पंगे नहीं लेने इस टाइम पे माता माता के लिए माता को सोसाइटी में चैरिटी के अंदर झुकाव जाएगा सम्मान मिलेगा चैरिटी में और सोशल एक्टिविटी में सम्मान मिलेगा सिस्टर किसी आ, लर्निंग एक्टिविटी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस वापस जा सकती है इस टाइम पे और उसके लिए बेनिफिशियल एक्टिविटी रहेगी शॉर्ट के अंदर हम इसको बोलेंगे चंद्रमा के लिए शॉर्ट सूर्य पे गोचर गुड टाइम फॉर मदर गुड टाइम फॉर मदर गुड नॉट गुड टाइम फॉर एक्सपेंसेस राइट प्रोफेशनली खासतौर से एंड बेटे को कोई ब्लेम का सामना करना पड़ सकता है तो ब्लेम के लिए थोड़ा संभल के रहे

एल्डर वन ऑफ द सिस्टर चंद्रमा कहलाती है एल्डर सिस्टर शुक्र होती है अगर सिस्टर सिस्टर अगर मां समान है तो चंद्रमा है सिस्टर अगर नॉर्मली है मतलब हमारी एज ग्रुप की सिस्टर है अपनी एज ग्रुप की एल्डर सिस्टर शुक्र है ठीक है तो चंद्रमा से सिस्टर हम सिस्टर को लेंगे एक सिस्टर को चंद्रमा से लेंगे हम अगर एक ही बहन है हुँ. एक ही अगर बहन है तो चंद्रमा और वो भी बड़ी है yeah. तो चंद्रमा आएगा तो चंद्रमा जी और खास तौर से लेडीज केस में लेडीज केस में चंद्रमा जो है सिस्टर है जेंट्स के केस के अंदर सिस्टर बड़ी सिस्टर को हम शुक्र से भी देखिए डॉटर और बड़ी बहन शुक्र है लेकिन लेडीज के केस में बड़ी बहन शुक्र नहीं है बड़ी बहन चंद्रमा ही है ओके okay, फीमेल्स के लिए सर मून को लेंगे और मेल्स के लिए वीनस को शुक्र है जी प्रवीण जी आपने हैंड टेस्ट किया सर तो यही पूछना था बस राइट चंद्रमा का गोचर चंद्रमा पे इट्स अ टाइम टू थिंक फॉर फ्यूचर प्लान्स इट्स अ टाइम टू थिंक फॉर सेंसुअल थॉट्स सेंसुअल एन्जॉयमेंट्स फन फुलफिलमेंट ये उसका समय है Native के अंदर वैरायटी ऑफ थॉट्स आएंगे वैरायटी ऑफ क्रिएटिव आइडियाज आएंगे अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण या मीटिंग या सेंसोर प्रेजर इनकी तरफ झुकाव जाएगा इस टाइम पे माइंड थोड़ा फ्रिकरिंग रहेगा ठीक मदर के लिए इट्स अ टाइम फॉर इंटरेस्ट एंड ट्रेवल जहां पे उनका इंटरेस्ट है वहां पे उनका ट्रेवल हो सकता है इस टाइम पे मदर के लिए थोड़ा कोल्ड समस्या भी बहन के लिए पार्टनर के साथ एक प्लेजर ट्रिप या अच्छा टाइम है बहन के लिए तो चंद्रमा गोचर चंद्रमा पे ओवरऑल अगर हम दो शब्दों में इसको व्याख्या करेंगे थिंक मोर देन ही परफॉर्म्स जितना एक्टिविटी कर रहा है उससे ज्यादा सोचेगा थिंकिंग विल बी हाई इस समय पे चंद्रमा का गोचर चंद्रमा पे तो चंद्रमा का गोचर जब भी चंद्रमा पे आएगा तो हमारी सोच बढ़ेगी माइंड थोड़ा सा अगर यहाँ पे कल मैंने एक चीज और ऐड की थी अगर आपका चंद्रमा वीक है तो फिर माइंड बढ़ेगी डिस्टर्बेंस बढ़ेगी और ये चंद्रमा का गोचर चंद्रमा पे चोट भी देता कई बार अगर चंद्रमा चंद्रमा डिस्टर्ब है चंद्रमा पीड़ित है राहु और नहीं केतु और मंगल से कनेक्टेड है तो चंद्रमा का गोचर चंद्रमा पे चोट दे देता है ठीक है अकस्मात चोट लग जाती है उसके तो इस चीज का ध्यान दे सकते हैं प्लस ये आ, इसको हम इस तरीके से देखेंगे चंद्रमा का गोचर मंगल पे चंद्रमा का गोचर मंगल पे हेस्ट डिसीज अनस ऑलवेज एक्सप्रेसिंग अर्जेंसी बहुत जल्दी में रहेगा इंसान टेम्पर लूज करेगा जो कि नुकसान का कारक और माइनर चोट विट टकराव का कारक बनेगा चंद्रमा का गोचर मंगल पे ब्लड प्रेशर बढ़ा दे सकता है इरिटेशन बढ़ेगी अनइजीनेस बढ़ेगी, आईज में लंग्स के अंदर इचिंग बढ़ जाती है मदर के लिए अनरेस्ट रहेगा मदर को भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है चंद्रमा मंगल जो है भाई और हस्बैंड का कारक है। हस्बैंड शुक्र फैमिली कुंडली में हस्बैंड के लिए ट्रैवलिंग टाइम है मे प्लान फॉर आउटिंग मे गो आउटसाइड साइड हस्बैंड में डू लॉस चंद्रमा लॉस का कारक क्या मंगल पे हस्बैंड को नुकसान भी हो सकता है एक्सपेंस हो सकता है फालतू का और किसी फालतू के ब्लेम में भी आ सकते हैं ब्रदर के लिए भी सेम चीज अप्लाई होगी सिस्टर के, के केस में शादी या मैरिटियल लाइफ के अंदर शादी की ये संभावनाएं बढ़ेंगी और मेरेटे लाइफ के अंदर थोड़ा अग्रेशन रहेगा मतलब एक, एक एक आग फायर एक वार्मनेस रहेगी रिलेशन मैट रिलेशन के अंदर अगर वो वार्मनेस का थोड़ा बैलेंसिंग होता है एक वार्मनेस कैन कॉज अ डिस्ट्रेस आल्सो टाइम्स सो वो वार्मनेस को बैलेंस रखना पड़ेगा बट रहेगी इस टाइम पे रिलेशन के अंदर चंद्रमा का गोचर मंगल पे अगर हम तीन चार शब्दों में इस बात को बोलेंगे तो चंद्रमा का गोचर मंगल पे इरिटेटिव एंड टेंशन क्रिएट करेगा ब्रदर के लिए हसबेंड के लिए इवेंटफुल रहेगा टूर लग सकता है को ऐसे में व्याख्या कर सकते हैं इसकी चंद्रमा का गोचर बुद्ध के ऊपर बुद्ध लर्निंग का कारक है का कारक का है काम धंधे बिजनेस का कारक है चंद्रमा का गोचर है बिजनेस के लिए लर्निंग के लिए इंसान घूम सकता है डिप्लोमेटिकली और क्लेवर इट्स अ टर्मिनोलॉजी डिफरेंस बिटवीन क्लेवर एंड डिप्लोमेटिक इट्स इट इज अ टाइम फॉर डिप्लोमेटिक एंड क्लेवर डीलिंग्स चंद्रमा भी बहुत घुमावदार uh, है चंद्रमा भी और बहुत इंटेलिजेंट है तो इट्स अ टाइम फॉर डूइंग सम काइंड ऑफ ट्रिकी ट्रिकी एक्टिविटीज जहां पे डिस्टिस्ट हमें ट्रिकी चाहिए बुद्ध गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है के अंदर और चंद्रमा फेमिलाइन है इट्स फॉर आल्सो ब्लेम इट्स 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 बुद्ध जो प्रॉपर्टी का कारक है में, ट्रांजेक्शन का कारक है इस टाइम पे ट्रांजेक्शन होने की संभावना रहेगी बट इट मे गेट टू लॉस और नुकसानदेह ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी बढ़ाएगा चंद्रमा का गोचर बुद्ध के ऊपर लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड अवॉइड की जाए क्योंकि एक्सचेंज एंड एंड सेल ऑफ लैंड प्रॉपर्टीज कॉज लॉस तो चंद्रमा का गोचर जब भी बुद्ध पे आएगा तो वो एक्टिविटी को इग्नोर करना है बुध एलर्जी का कारण है चंद्रमा उसको प्रोत्साहन देता है इट इज ए टाइम फॉर एलर्जिक कंडीशन जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत आती है उनको सलाह दी जाएगी कि आप घर में रहें बाहर नहीं घूमेंटिव से देखा uh, जाता है, का है यंगर सिबलिंग का, का कारक भी बनता है तो यंगर सिबलिंग अ फ्रेंडशिप विद द अपोजिट जेंडर हमारी हमारी शुक्र हम, यानी कि हमारी वाइफ केस के अंदर चंद्रमा का गोचर बुद्ध के ऊपर एक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दर्शाता है इश्यूज क्रिएट करता है बुद्ध दोस्तों का कारक भी है यारों दोस्तों का कारक भी है चंद्रमा गोचर बुद्ध के ऊपर हमारे जो यार दोस्त है दे मे गेट चीटेड एंड ब्लेम फॉर दी एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्विंग दी अपोजिट जेंडर एंड आल्सो अ टाइम टू डू ट्रेवल ट्रेवल एक्टिविटीज ये चंद्रमा का गोचर बुद्ध के ऊपर अगर हम इसको दो लाइन में एक्सप्लेन करें चंद्रमा गोचर बुद्ध के ऊपर इट्स ए कॉमर्शियल डीलिंग टाइम कॉमर्शियल डीलिंग टाइम चंद्रमा गोचर बुद्ध पे बट डील लिंग टाइम है क्लोजिंग टाइम नहीं है ये क्लोजिंग बाद में करें क्योंकि चंद्रमा और बुद्ध एक क्रिएट करेंगे डिप्लोमेटिक एंड टैक्टफुल एक्टिविटी को डीलिंग को क्लोजिंग चंद्रमा जब पार हो जाए तब करें ताकि लॉस इंकर नहीं हो किसी भी क्लाइंट की किसी भी तरीके चाहे वो प्रॉपर्टी की हो चाहे वो बिजनेस की हो फ्रेंड रिलेटेड इश्यूज या ब्लेम आ सकता है इस समय में तो फ्रेंड रिलेटेड इश्यूज और ब्लेम्स को सावधानी से हैंडल करेंगे चंद्रमा का क्वेश्चन बुद्ध के चंद्रमा का गोचर गुरु पे हमने कर लिया शुक्र पे हमने कर लिया अब बुद्ध पे कर लिया मंगल पे कर लिया सूर्य पे कर लिया चंद्रमा चंद्रमा पे कर लिया हमने क्या गया? गया। रह गया शनि पे रह गया शनि राहु केतु रह गए शनि पे चंद्रमा गोचर शनि के ऊपर शनि पे चंद्रमा गोचर इट्स इट्स टाइम फॉर अनहैप्पीनेस इंसल्ट फालतू की इंसल्ट हो सकती है वर्क प्लेस पे चंद्रमा ब्लेम का कारक है शनि प्रोफेशन का कारक है प्रोफेशनली एक्टिविटी प्र, के अंदर फालतू का अनहैप्पीनेस या ब्लेम की पॉसिबिलिटी को बताएगा अनवांटेड इंसिडेंट्स को दर्शाएगा चंद्रमा का कारक चंद्रमा अगर चंद्रमा का गोचर शनि के ऊपर गिव अ फीलिंग ऑफ बोरिंग गिव अ फीलिंग ऑफ बोरिंग इन प्रोफेशनल एक्टिविटीज प्रोफेशनली इंसान बाहर जा सकता है प्रोफेशनली इंसान के टू ले सकता है लेकिन अनवांटेड एक्स्ट्रा एक्सपेंस देगा

टाइम फॉर चेंज इन वर्क वर्क लोकेशन को या वर्क को या कंपनी को चेंज करने का समय दर्शाता है एंड लॉस इन बिजनेस एक्टिविटी दिखाता है ये चंद्रमा का गोचर शनि के ऊपर तो दो लाइन के अंदर हम इसको इस तरीके से बोलेंगे चंद्रमा का गोचर राहु के ऊपर चंद्रमा पे गोचर राहु पे नेटी बिकम हाइपर इमेजिनेशन इल्यूजन काल्पनिक काल्पनिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इस टाइम पे बहुत ऊंचा ऊंचा ख्वाब लेगा बहुत ऊंचा ऊंचा सोचेगा विच कैन नॉट बी प्रैक्टिकल आल्सो एंड विच विल गेट टेंस्ड फालतू में टेंशन क्रिएट करेगा एटीट्यूड में दिक्कत देगा चंद्रमा का गोचर राहु के ऊपर इविल स्प्रिट भी दर्शाता है अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता इविल स्प्रिट से जादू तोड़ना इस टाइप की एक्टिविटी से या नजर दोष पीड़ित होता है तो ये वो टाइम है जब उसको जल्दी अटैक आएगा इन चीजों का तो ऐसा व्यक्ति अगर चंद्रमा का गोचर राहु पे जिस व्यक्ति का आ रहा है वो व्यक्ति बाहर घूमने फिरने के लिए जाता है खासतौर से कोई शादी विवाह फंक्शन में जाता है तो अपने पे ध्यान रखकर चले प्रिकॉशन लेके चले क्योंकि टोका टाकी जल्दी लगती है ठीक और फिर इंसान बीमार पड़ जाता है वो चंद्रमा का गोचर राहु के ऊपर अनथिकल एक्टिविटी को दिखाता है इट कैन बी in any form it can be in a sensual pleasure it can be into the form of the work related or koi uh, bhi decision related ek tit for tat activity ko darshata hai jaisa kiya waisa karna tit for tat unethical activity ko darshata is time pe chandma gocha rahu ke upar राहु को हम evil speed स्पीड से भी देखते हैं तो चंद्रमा का गोचर राहु पे आएगा तो इंसान इविल स्पीड के कब्जे में उसकी सिस्टर और मदर पे भी इफेक्ट आने की संभावना रहती है सो मदर इज टू बी और सिस्टर इज टू बी सेफ गार्डेड इज टू बी सेफ गार्डेड हेल्थ होते हैं क्योंकि राहुल चंद्रमा गोचर एक उनके दिमाग को अशांत करता है उनके दिमाग को अशांत करेगा तो उनका जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है वो डिसकनेक्ट होगा दिक्कत बढ़ेगी तो ऐसे में वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी बढ़ाए टेम्पल विजिट करें टेम्पल जाए स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं तो यात्रा है करें नहीं तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को किसी भी तरीके से बढ़ाएं ताकि उनका डिस्कनेक्ट नहीं हो और ये हेल्थ इश्यूज को भी दर्शाता है चंद्रमा का गोचर अगर हम राहु के पर अगर एक शब्द के चार शब्द के अंदर बयान करें तो उसको हम इस तरीके से बोलेंगे इट्स ए मेंटल कंफ्यूजन इज ए मेंटल इल्यूजन एंड बैड टाइम फॉर हेल्थ फॉर मदर सिस्टर एंड ग्रैंड पेरेंट्स इसको इस तरीके से बात करें चंद्रमा का ऊंचा राहु केतु पे केतु इज अ रिजेक्शन इज अ रिजेक्शन ऑफ मूड चंद्रमा मन केतु रिजेक्शन तो रिजेक्शन ऑफ मूड यानी कि डिप्रेशन का स्टेट मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा समय है मूड स्विंग अपसेटस के लिए दिक्कत है डि्यूट अपोजिट एंटर से डिस्प्यूट बढ़ाएगा खासतौर से फीमेल्स के लिए फीमेल्स के लिए फैमिली डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं बट स्परिट के लिए स्परिचुअल स्परिचुअल एक्टिविटी के लिए अच्छा है। माता के लिए या वुमेन इन फैमिली के लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाते हैं नेटिव के लिए माता के लिए वुमेन इन फैमिली के लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे तो कॉन्फ्लिक स्टेट बढ़ेगा माता और फीमेल uh, घर की यानी कि वाइफ दोनों के लिए इट्स अ टाइम ऑफ रिजेक्शन ऑफ अन वर्ल्डली मैटर्स मैटिक मैटर्स इसको मूड स्विंग या डिप्रेशन की हम संगति दे देते हैं या इसको हम देते दे हैं कि मन अच्छा नहीं है दिल नहीं कर रहा विचार नहीं मिल रहे आ, कुछ अच्छा सा ही लग रहा चलो मंदिर चलते हैं चलो धर्म, धर्म यात्रा करते हैं या कुछ मेडिटेशन करते हैं या मेडिटेशन किसी एक्टिविटी के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं बैड टाइम फॉर एसोसिएशन अपोजिट जेंडर वो नहीं बनता वो डिस्क्रेंट हो जाता आती है ऑब्सट्रेक्शन एक, की एक्टिविटी में भी अगेन इट्स टाइम गुड टाइम फॉर मेडिटेशनल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज और विजिटिंग चंद्रमा का गोचर

दिक्कत सकती है तो ये ओवरऑल मंथ की स्थिति को डाबोडोल करेगा इट्स चंद्रमा का गोचर केतु के ऊपर के तो हमने अभी किया चंद्रमा का गोचर चार पांच सारे नौ के नौ प्लान पे हमारा कंप्लीट हुआ